भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने भाजपा के पसीने छुटा दिए हैं। एक तरफ जेठ की गर्मी तो दूसरी तरफ चुनाव की गर्मी ने धर्मवीर की हाल बेहाल कर दिया है। जाट और अहीर दोनों के हिस्सों में बटी भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट अब की बार भाजपा के हाथ से छूटती नजर आ रही है। भाजपा ने जहां धर्मवीर सिंह को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है, तो अब की बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलते हुए दूसरा चेहरा दिया है, यानी कि 34 साल बाद बंसीलाल के परिवार से निकाल करके टिकट रावदान सिंह को दी है। तो रावदान सिंह भाजपा को किस प्रकार से पटखनी दे रहे हैं, क्या कुछ खेल है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि क्या भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर अब की बार कांग्रेस खेल कर रही है या फिर नहीं। कमेंट्स में आपकी राय, चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर ली। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दाविशा प्रेम नजर, हरियाणा न्यूज। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, एक होट सीट है, क्योंकि यहाँ पर दो तीन तीन मुख्यमंत्री रहे हैं, बंसी लाल, बनारसी दास गुप्ता। तो उसके बावजूद भी, यानी कि 2014 और 2019 के चुनाव में श्रुति चौधरी चुनाव हार गई और धर्मवीर वहां से चुनाव जीत गए। और 2019 के चुनाव की बात करें तो चुनाव में हार और जीत का जो फासला था वो 4,44,463 वोटों का रहा, यानी कि धर्मवीर को वहां से जो वोट मिले 7,36,699, तो वहीं श्रुति चौधरी को 2,92,236 वोट मिले, यानी कि जो हार जीत का फैसला था वो बड़ा था। वैसे 10 की 10 सीटें जीतने वाली अब भाजपा अब की बार बड़े पसीने छूटे हुए हैं भाजपा के। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट दो हिस्सों में बटी है, एक जाट और दूसरी अहीर। भिवानी के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जो जाट बाहुल्य विधानसभा है, वो भिवानी, मढड़ा, कोसाम, लोहारी, लोहारू, तरखी, दादरी, और अहीर जो अहीरवाल विधानसभा है, जो महेंद्रगढ़, नारनौल, नागल, चौधरी, अटेली और अहीरवाल। तो यानी कि जो वोटों का समीकरण है उसको भी हम समझेंगे। उससे पहले बता दें कि जो पिछले जो दो चुनाव रहे हैं, दोनों चुनाव के दो अंदर अहीर वोट बैंक की बड़ी भूमिका रही है, यानी कि जीत का फैक्टर अहीर वोटों का रहा है। भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर आप फोटो भी देख रहे हैं कि धर्मवीर कई कार्यक्रमों में जा रहे हैं तो वहां पर उन्हें पब्लिक ही नहीं मिल रही है, यानी कि सीधे तौर पर वहां पर अब की बार बड़े पसीने धर्मवीर के छूटे हुए हैं और खेल पलटा नजर आ रहा है। और वहां पर जो जातीय समीकरण है वो भी भाजपा के अब की बार पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अहीरवाल और जो राजपूत समाज है वो भी भाजपा से वहां पर नाराजगी व्यक्त किए हुए है, क्योंकि अहीरवाल का जो मुख्य मुद्दा अहीर रेजिमेंट को लेकर के उन्होंने अपना एक अभियान चलाया हुआ था कि हमारे नाम से एक रेजिमेंट हो, हमारी जो सेना में भूमिका है वो बड़ी भूमिका है, लेकिन फिर भी हमारी जो रेजिमेंट है वो नहीं है। तो रेजिमेंट को लेकर के भी एक आंदोलन अहीरवाल का खड़ा है, अहीर समाज का खड़ा है। तो दूसरी तरफ राजपूत समाज, जो कि बीजेपी का बड़ा पैठ वोट बैंक था, उनकी भी बड़ी नाराजगी है। और जो राजपूत का जो मुद्दा है, राजपूत समाज का जो मुद्दा है, वो मिहिर बोझ को लेकर के मुद्दा है, जो हरियाणा के, यानी के कैथल से चल करके पूरा देश के अंदर इस वक्त राजपूतों की नाराजगी सीधे तौर पर नजर आ रही है। जाटों की जो नाराजगी है वो किसान आंदोलन के दौरान देख ली थी, यानी कि राज को लेकर के भी उनकी नाराजगी रही है। तो इन तीनों का अगर कम्बिनेशन की बात करें तो अहीरवाल के लगभग 3.5 लाख वोट है, तो राजपूतों के भी 1 लाख से ऊपर वोट लगभग बताए गए हैं, और जाटों के लगभग 4 लाख के आसपास वोट है। तो यानी कि एक बड़ा वोट बैंक इस वक्त भाजपा से भिवानी में नाराज है,
और जिसकी नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। हीरो की नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा ने वहां पर राव इंद्रजीत की भी रैली करवाई और राव इंद्रजीत ने सीधे तौर पर कहा कि राव दान सिंह मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे काम नहीं आया तो आप लोगों के क्या काम आएगा। यानी कि इस तरह से इमोशनल भी खेल खेला गया। देखा जाए तो राव इंद्रजीत की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि राव इंद्रजीत अहिर समाज के बड़े नेता हैं। अगर भाजपा यहाँ से चुनाव तक यानी कि दूसरी तरफ चला जाता है तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत की छवि पर भी असर इस बात का रहेगा। तो दूसरी तरफ किरण चौधरी की बात ना करें भिवानी महेंद्र लोकसभा सीट पर, तो अधूरा विश्लेषण रहेगा। किरण चौधरी कुछ दिन तक नाराज नजर आई, लेकिन बाद में वो राव दान सिंह के कार्यक्रमों में एक दो में ज्यादा नहीं वो नजर आई। अब वो ज्यादातर कुमारी शैलजा के सिरसा लोकसभा में सक्रियता की खबरें तो मीडिया और सोशल मीडिया के मार्फत मिल रही है। तो किरण चौधरी अब यानी कि वहां पर जो नाराजगी थी वो नाराजगी दूर करके कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती नजर आ रही है। तो इसके बाद बात करें वहां पर जो मुद्दे इस वक्त छाए हुए हैं, मुद्दे वहां पर बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर जैसे मुद्दे वहां पर छाए हुए हैं और जिनको लेकर के एक विरोध हो रहा। और सबसे बड़ा विरोध सांसद धर्मवीर सिंह का इसलिए भी है क्योंकि वो पिछले 10 साल से तालमेल बिठा नहीं पाए हैं, इन लोगों के बीच में अच्छी तरीके से मिल बैठ करके बातचीत और विकास कार्यों को उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाए हैं जो वहां की जनता कह रही है। और जातिगत फैक्टर भी वहां पर एक मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने अहिरवाल, राजपूत, जाट और तो इनका भी अगर हम बात करें तो वहां पर मोदी एंटी की भी एक खेल है जो कि भाजपा के लिए खतरनाक। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है, सबसे बड़ा तो नहीं यानी कि फिर भी एक फैक्टर है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा को जिस प्रकार से भाजपा ने साइड में करके और उसकी राजनीति को खत्म करने की कोशिश की, वो भी एक कारण है। अगर वहां पर हम ब्राह्मण समाज के वोट की बात करें तो ब्राह्मण समाज के वोट बैंक भी वहां पर ठीक ठाक है, लगभग 1.5 लाख के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में भी रामविलास शर्मा को लेकर के एक बड़ी नाराजगी है। तो ब्राह्मण समाज का भी कुछ हिस्सा भाजपा को नुकसान पहुंचाने में रहेगा। तो वहां पर मुसलमान भी 0.8%, तो वहीं सिखों की संख्या 0.7% है। तो मुसलमान और सिख समाज भी भाजपा के खिलाफ देख ही रहे हैं जिस प्रकार से मुसलमान और सिखों को उसकी जो प्रतिक्रिया आती है, तो कहीं ना कहीं उनके भी नाराजगी है। तो देखा जाए तो भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के लिए बड़ी चिंता की है, क्योंकि वो उनका एक मजबूत किला था, वो किला अब गिरता नजर आ रहा है। तो इस मसले पर आपकी अपनी क्या राय है आप भी बता दीजिए कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर आपका अपना क्या कहना है। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। ऐसा मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे एक नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।